राजधानी दिल्ली में बिल्डिंग के निर्माण के वक्त हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कई बार मजदूर घायल हो जाते हैं और कई मजदूरों की जान तक चली जाती है। ऐसे में इन मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास किया, जिससे अब मजदूरों और उनके परिवार वालों को लाभ मिलेगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एक निजी प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें मजदूरों को सुरक्षा देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अब वैध निर्माण यानी जो बिल्डिंग नक्शे से बनाई जाएंगी, उसके निर्माण के दौरान अगर कुछ हादसा होता है और उसमें मजदूर घायल या फिर उनकी मौत होती है तो उसे निगम की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। श्याम सुंदर ने कहा कि इसके लिए परिवार को ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। लेबर को सुरक्षा प्रदान की है, मकान बनते हैं, मजदूर लगते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हादसे भी होते हैं। जो मजदूर मकान बनाता है, हमने देखा है कि कई चोटग्रस्त हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। हम उनके लिए सुरक्षा लेके आए हैं। यदि कोई मजदूर जो बिल्डिंग बन रही होगी वो नक्शे से बन रही होगी, उस बिल्डिंग से गिरने से किसी मजदूर को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है या अंग भंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम उसको मुआवजा देगा। उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि निगम की तरफ से घायल मजदूर को 50,000, गंभीर रूप से घायल मजदूर को 1,00,000, यदि कोई मजदूर अंग भंग हो जाता है तो 1,50,000 और किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 3,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।